तो मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विन स्माइवल। एज अ ट्विन मॉम मुझे ऐसा लगा कि इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है। पहले मैं ऐसा सोच रही थी कि इस वीडियो की क्या ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई चीज़ें बहुत छोटी दिखती हैं बट एक्चुअली इतनी छोटी होती नहीं है जितना हम लोग इमेजिन करते हैं, और कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है जितना हम उसे इमेजिन करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम्स या सॉल्यूशन उतनी बड़ी और उतनी छोटी हो सकती है जितना हम उसे बनाते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ट्रस्ट में दोस्तों आपके बहुत काम की आने वाली है, चाहे आप पेरेंट्स हैं, सिंगल बेबी है या डबल बेबी है, नो मैटर। लेकिन फिर भी ये जो मेरा दर्द है, ये जो मेरी फीलिंग्स है, वो ट्विन मॉम्स ज़्यादा समझ पाएंगी या ट्विन जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। काम की बात बताऊंगी क्योंकि एज अ ट्विन मॉम मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे 1.5 साल के ट्विन्स हैं, बॉय और गर्ल दोनों हैं, तो दोनों ही डिफरेंट पर्सनालिटी है, दोनों की ही चॉइसेस अलग अलग हैं। तो किस तरह से उन दोनों को मैनेज करती हूँ, साथ ही साथ इस चैनल को भी मैनेज कर रही हूँ, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर मी। तो आप मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस सुनिए और शायद आपके भी ये बहुत काम आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहली बात जो आपको अपने जहन में रखनी है वो है कि ट्विन प्रेगनेंसी जैसे ही आप कंसीव करते हैं आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं। ऑब्वियस ही बात है कि आपने एक बच्चे की कामना की होती है और आपको भगवान दो देते हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है, ये एक समझिए कि भगवान का तोहफा है आपके लिए। तो इस चीज़ की कद्र करिए। और देखिए, सिचुएशन जितनी भी डिफ़िकल्टी आए, जो भी आए, आपको बस यही माइंडसेट रखना है कि आप एक ब्लेस्ड इंसान हो। सब कोई को ट्विन्स नहीं हो रहे हैं। जितनी भी प्रेगनेंसीज आप देख रहे हैं उनमें बहुत रेयर केसेस होते हैं ट्विन प्रेगनेंसी होने के। तो अगर आपको भगवान ने चुना है तो हाँ, किसी चीज़ को अगर आपको गिफ्ट मिला है तो उसके साथ साथ आपके कर्तव्य भी बड़े होंगे। और ऑब्वियस ही बात है कि डबल हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि डबल भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इस चीज़ का माइंड सेट करके आपको शुरू से चलना है। और कोई कोई चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ प्लस और माइनस भी हो सकती हैं। जो चीज़ें आप पहले करते थे वो पहले अब नहीं कर पाइएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन सब चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। जैसे मान लीजिए कि आप हस्बैंड वाइफ पहले बहुत अलग इन्जॉय करते थे, मूवीज़ देखते थे, आउटिंग पे जाते थे, तो आपको कुछ सालों के लिए, मे बी वो 2-3 साल 4 साल तक आपको थोड़ी सी आउटिंग आपकी हैम्पर हो सकती है। लेकिन सिंगल बेबी रहता है तो थोड़ा सा इंसान फ्लेक्सिबल हो सकता है अपने बाहर के एक्टिविटीज़ को करने में। लेकिन स्टिल अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है तो ये चीज़ आप माइंड मेकअप करके चलिए कि आप इतनी ज़्यादा आउटिंग नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन चीज़ों को थोड़ी सी हैंडल कर पाना हल्का सा मुश्किल है। और थोड़ा सा आसान भी बनाना वो भी बहुत आसान है। बस आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको पूरे टाइम यही सोचना है कि भगवान ने आपको जीत दिया है, वो और किसी को नहीं दिया है। बस यही माइंडसेट रख के मैं अपने भी दिनचर्या शुरू करती हूँ। मुझे भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, मुझे भी देखिए बहुत सारी बात ऐसे होती है कि पेरेंट्स को इवन टाइम भी नहीं मिल पाता है अपनी हेल्थ पर ध्यान रखने का, अपने खाने पीने तक का, अपने सोने तक का, बट फिर भी वो अपने बच्चे के लिए करते हैं ताकि ये जो क्रूशियल जो टाइम है 2 से 3 साल बच्चे थोड़ा सा समझ जाएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सब कुछ को आपको पहले ही माइंड मेकअप करके चलना होता है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अपने बच्चे के साथ आपको बहुत सारा टाइम देना है, लेकिन अगर आप कंसीव वाले पीरियड में हैं, आप अभी गर्भावस्था के पीरियड में हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहती हूँ, उस तरह अगर आप सोच रहे हैं तो आपको अपनी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकती है। बच्चे को लंबे टाइम तक कैरी फॉरवर्ड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ताकि वो फुल टर्म जाए। तो आपको अपने डॉक्टर से इस तरह की बातें पूछ लेनी चाहिए पहले से। लेकिन मैं क्वालिटी टाइम की बात कर रही हूँ कि आप लोग साथ साथ मूवीज़ देख रहे हैं, घर पे इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ कुकिंग कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें करिए। क्योंकि बाद में इतना हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि आप लोगों को इवन थोड़ा सा कम वक्त मिल सकता है बातें करने का, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप समझ रहे हैं मेरी फीलिंग्स, तो इसलिए ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें पहले ही करें। और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जितना आप जैसे केयर में अगर लग जा रहे हैं, अगर एक बेबी का आप केयर कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि कुछ दूसरे का कुछ ना कुछ मिस होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि हस्बैंड वाइफ का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो कि आपके हस्बैंड थोड़ा सा आपको हेल्प करें। चाहे उनके अंदर कितना भी मेल ईगो हो या फिर वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं हो, लेकिन इट्स टाइम कि हस्बैंड को भी समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ उनकी वाइफ अकेले इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती है। क्योंकि देखिए, एक घर को मैनेज करना,
बच्चों को मैनेज करना, और वो भी अगर ट्विन बच्चे हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस समय हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। ऑब्वियस ही बात है कि अगर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद कोई महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं आफ्टर डिलीवरी, उनको थोड़ी सी डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं, लेकिन इमेजिन करिए कि जो ट्विन होती हैं उनको कितनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। तो इस समय ज़रूरी है कि हस्बैंड उनकी बातें सुने, उनको थोड़ा सा कंफर्ट फील कराएं, ताकि जो वाइफ है वो भी थोड़ा एनर्जेटिक होगी, उनकी मन अगर मजबूत होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि वो बच्चे की और अपनी केयर अच्छे से कर पाएंगी। तो आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। तो किसी भी तरह की अगर कोई भी आपको ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको डाउट्स है तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करिए, इसके ऊपर मैं कंप्लीट आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगे इसकी वादा करती हूँ। और देख लीजिए क्या हो रहा है ट्विन मॉम का हाल। तो बस सपोर्ट करिए, चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विन्स माई वर्ल्ड।